हमारा पहलवान साहब बहुत काम करेंगे हमारे बात पे, उन्होंने बोल रही नहीं इजहार नहीं कर रही लेकिन अम्मा बहुत साथ देखो इन्हो दुआएं उनके साथ, अल्लाह उनका मुश्किल आसान कर दे, उनका जो नुकसान जान का माल का हुआ है अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा दे। इश्तियाक पहलवान यहाँ के शिवाजी नगर के एक्सकारपरेटर इश्तियाक पहलवान और शेफू पहलवान और उनकी सारी टीम जो है उन लोगों का शुक्रिया अदा किए जिन्होंने इन सारे लोगों की मदद की है इन सारे चीजों का इंतजाम करने के लिए। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। शिवाजी नगर गुजरी के अंदर स्विपिंग स्क्वायर और जमेतुल कुरैश नौजवानों की तरफ से यहां पर ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये सारा जो है वायनाड रिलीफ कैंप के लिए रखा गया है। इसमें जैसे कि स्टो हो, आटा हो, ये घर के सारी जरूरत की चीजें, प्लेटें वगैरह हर चीज यहाँ पर जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर ये लोग किट्टे बनाकर जो है आज शाम को यहां से रवाना हो रहे हैं। और ये जो सिस्टम बनाया गया है इसमें एक जो है टारपल, यानी कि इस बारिश के वक्त में जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ऐसे ऐसे चीजों को जो लोग जाकर वहां पर बता रहे थे कि इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो वैसे चीजों का इन्होंने इंतजाम कर जो है यहां पर जो है ये दोनों जमाते मिलकर जो है यहां से आज रवाना हो रहे हैं। ये वायनाड पहुंचकर जो है जो रिलीफ कैंप पे लगी हुई है वहां पर जरूरतमंद चीजें ऐसे चीजें जहां पर ले रहे हैं वहां पर ये पहुंचा कर आएंगे। इन लोगों की जिन्होंने भी मदद की है उन्होंने भी वहां पर ये इश्तियाक पहलवान यहाँ के शिवाजी नगर के एक्सकारपरेटर इश्तियाक पहलवान और शेफू पहलवान और उनकी सारी टीम जो है उन लोगों का शुक्रिया अदा किए जिन्होंने इन सारे लोगों की मदद की है इन सारे चीजों का इंतजाम करने के लिए। तो उन्होंने ये बात भी कही है अगर ऐसी चीजों की और जरूरत पड़ी तो ये आगे बढ़कर और इस तरीके का कैंप लगाकर जो है यहां पर जो है ये लोग और ज्यादातर काम करेंगे। और इसमें कोई भी यहां पर कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, किसी चीज का एक रुपया नहीं लिया गया है। ये सारे जो है अड़ोस पड़ोस के लोग हैं यानी कि फ्रेंड्स हो या जानने वाले हो ऐसे लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर मदद की है। तो चलिए देखते हैं इन लोगों का क्या कहना है। सर बताइए, कई दिन से वायनाड रिलीफ कैंप के लिए यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे थे और कई सारा सामान जमा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। वायनाड के भाई बहनों के लिए मेरे दुआएं उनके साथ, अल्लाह उनका मुश्किल आसान कर दे, उनका जो नुकसान जान का माल का हुआ है अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा दे। खासकर हमारे भाया शेफू भाई, हमारे छोटू भाई, सिद्दीक भाई, सब पूरे मिलकर भाया मेहनत पढ़कर राशन
बहुत सारा पहुंच गया, बल्कि अभी उनको जैसे गैस का स्टोव है, कुकर है, एक घर के लिए बासना है, बकेट है, जो एक घर को जरूरी सामान है, वो मेरा भाई मेहनत से पूरे मिल को उन्होंने जमा। मेरा इसके अंदर क्या भी नहीं है, मैं एक भाईचारा ऐसा आपको हूँ, पूरे मेरे भाई है, पूरे मिल को इन्हें सब करके इंशाल्लाह इनको कामयाब अता फरमा दे, बहुत अच्छा काम करे। जजाक अल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अब हमारा पहलवान बोले ना, वो हिसाब से हमें पूरा राशन जमा दले थे है। इसके बाद आपको हमारा भी हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे भाई, उनसे जब जाकर उनकी जरूरत मांगो, जो जो उनकी जरूरत है तो वो चीजें उनको पहुंचाए, तो जरूरतमंद को जरूरत मिलती सो। ये राशन फुल है वहां पर, आगे उन्होंने बोलने के बावजूद हमें और दो तीन दिन एक्स्ट्रा करको, जैसा कुकर है, जैसा गैस का स्टोव, जैसा जितना भी घर के अंदर सहूलत की जो जो इंसान की जरूरत है वो चीज होना करको पूरा जमा कर, आज हमें हमारे भैया को तय कर को ही आज निकालेंगे को, और वो एक ताड़पल तक तो ताड़पल है हमें इंशाल्लाह पहुंचा रही, और गैस के स्टोव में गैस तक भर को भेजती इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखो इसके अंदर दिन को हमें ऐसा लोगों को भेजने का नहीं है, ये एक ट्रिप का नहीं है, नेक्स्ट ट्रिप भी और जाने की है इंशाल्लाह। 300 से 500 घर तक करने का हमारा आइडिया है इंशाल्लाह, आइडिया इंशाल्लाह। अल्लाह हम ना कामयाब कर दे, हमारे भाई के जो मेहनत है उसे अल्लाह कामयाब करो, उनको सब जितने भी हमारे आवाज से ताउन करी है, चीज की आवाज से जो हम ताउन करी उनको सबको अल्लाह खैर करेंगे, और उनको सब अल्लाह उनके जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे इंशाल्लाह। और ये चीज को हमें वहां तक पहुंचा कर तुम्हारा मैसेज इंशाल्लाह पहुंचा दे इंशाल्लाह। पर उनका खासकर दिलो जान से उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, फ्रेश ब्रदरी भी हैं, फ्रेश ब्रदरी का भी हम बहुत शुक्र गुजार है, दिन रात उन्हें भी हमारे साथ खड़को, बहुत मेहनत पड़को, मेहनत पड़ के क्या उनका सब काम है, हमारे पहलवान साहब बहुत काम करेंगे हमारे वास्ते, उन्होंने बोल रही नहीं इजहार नहीं कर रही, लेकिन अपना बहुत साथ देखो इन्हों यहाँ तक जिला को इंशाल्लाह ये करेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान क्या था, खाली राशन का, जब ये बात हमारे पहलवान साहब चाहते हो अपना पूरा गाइडेंस देखो, फिर हम इंशाल्लाह काम करें हर चीज को, पहलवान बोले को हम इंशाल्लाह। हमारा और क्या है, हम ना क्या न्यूज मिल रही है, सामान उन्होंने ले रही है, ले ले तो इंशाल्लाह इससे और ज्यादा हमें कर रहे हैं एक ट्रेल इससे भेज रहे हैं हमें, ये सक्सेस होगा तो इंशाल्लाह और ज्यादा इससे भेज इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आज जाके पूरी हुई है, आज यहाँ से निकल कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है हमारा नौजवान है, कम से कम एक हफ्ते से दिन रात मेहनत पड़गा, जो भी सामान जमा है, जो भी सामान जो जरूरत की चीजें है दूसरों से पूछ कर, और वहां पर जो गए थे उनसे भी राबिता करके, उनसे भी मालूमात करने के बाद ये सब चीजें खरीद कर हमारे नौजवान दो गाड़ियों में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो मेहनत पड़े हैं अल्लाह इसका अजर वो बच्चों को देगा, जरूर देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बच्चे जो है अपना वक्त, अपना पैसा और बहुत मेहनत करने के बावजूद यहाँ तक पहुंचे हैं, अल्लाह इनके इस मेहनत को कामयाब करे, और जिस जिसको जरूरतमंद है ये सब चीजें उन तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह।